Once again, I am front of you. I hope you will be fine. So guys, once again, welcome to you on my YouTube channel, Pharma. So guys, जैसे कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं अपने कैप्सूल्स की. जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर से हमने स्टार्ट किया था हमारा टॉपिक कैप्सूल टॉपिक. तो गाइज, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो इस लेक्चर को देखना ना भूलें. तो गाइज, आइए बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ कैप्सूल की. तो गाइज, टाइप्स ऑफ कैप्सूल में आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट टू यू, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए. तो गाइज, आइए बात करते हैं. तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा लास्ट लेक्चर में बात कर लेते हैं, थोड़ा रिविजन कर लेते हैं. जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कैप्सूल्स की. कैप्सूल्स में हमने बात की थी उसकी इंट्रोडक्शन की बात की थी. इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले उसकी बात की थी उसकी डेफिनेशन की. तो डेफिनेशन में सबसे पहले हमने जाना था कि कैप्सूल्स होते क्या हैं. तो कैप्सूल्स क्या है? कैप्सूल इज अ सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म इन विच द आवर एपीआई ड्रग इज इनक्लोज्ड इन अ टेस्टलेस ऑडरलेस एंड सोल्युबल कंटेनर. तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कैप्सूल्स कहते हैं. फिर हमने बात की थी उसकी एडवांटेजेस की. एडवांटेजेस में हमने गाइस बात की थी कि जो हमारे कैप्सूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो टेस्टलेस होते हैं, ऑडरलेस होते हैं, और क्या होते हैं, इजीली टू एडमिनिस्टर कर सकते हैं. फिर बात की थी कि कैप्सूल्स आर अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, मतलब देखने में हमारे क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, जिनको हम अट्रैक्शन फील करते हैं, जैसे आपको पता है कलरफुल होते हैं. गाइस, फिर हमने इसमें बात की थी कि क्या कैप्सूल्स आर इजीली हैंडल एंड इजीली ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. गाइस, फिर हमने इसमें बात की थी अपने डिसएडवांटेजेस की. डिसएडवांटेजेस में गाइस हमने बात की थी कि जो मतलब हमारे क्या होते हैं, जो इनसोल्यूबल ड्रग होती है, जो हमारी जो कंसंट्रेटेड ड्रग होती है, उनको क्या करना पड़ता है, उनको यूज़ करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, उनको थोड़ा डायल्यूट करना पड़ता है, ताकि अगर हम उसको ऐसे कैसे यूज़ करेंगे तो क्या कर सकती है, हमारे लिए इरिटेशन कॉज करती है और हमारे स्टमक में इरिटेशन कॉज कर सकती है. और गाइस, इसमें नेक्स्ट हमने टॉपिक में बात की थी कि हमारा जो डिसएडवांटेज था नेक्स्ट, उसमें बात की थी कि जो हमारी एग्रोस्कोपिक ड्रग्स होती है वो क्या करते हैं, उनको कैप्सूल में यूज़ करने के लिए वो क्या होती है, वो सूटेबल नहीं होती. अगर हम उसको कैप्सूल में यूज़ करेंगे, जो हमारे कैप्सूल्स के अंदर वाटर कंटेंट होगा उसको अब्जॉर्ब कर लेगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा कैप्सूल ब्रिटल फॉर्म में आ जाएगा और वो पीसेस में टूट सकता है. तो गाइस, ये था लास्ट लेक्चर. तो गाइस, आइए इस लेक्चर के बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ कैप्सूल के बारे में. तो गाइस, आइए ऑन द टॉपिक. प्लीज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ कैप्सूल. एज यू नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैप्सूल, दैट इज सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल. जैसे कि आपको पता है गाइस, आपने देखा होगा जो कैप्सूल्स क्या होते हैं, कुछ कैप्सूल्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ कैप्सूल हमारे हार्ड होते हैं और कुछ हमारे जो सॉफ्ट होते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे कलरफुल कैप्सूल होते हैं, ज़्यादातर वो क्या होते हैं, वो हार्ड ही होते हैं ज़्यादातर. जैसे कि आपको देख, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक कैप्सूल है, ये मेरे पास जो ये अमोक्सिसिलिन का कैप्सूल है, 250 mg का कैप्सूल है, या ऑक्सीजन का, ये क्या है, ये हार्ड कैप्सूल है. गाइस, इसी कैप्सूल्स को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, जैसे आप देख सकते हैं. तो गाइस, इस कैप्सूल्स को भी हमें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. जैसे कि आपको पता है, एक पार्ट बॉडी होता है, एक पार्ट उसका कैप होता है. गाइस, जो हमारा बॉडी पार्ट होता है वो क्या होता है, थोड़ा लेंथ में थोड़ा लंबा होता है एज कम्पेयर टू कैप, जिसको हम बॉडी कहते हैं, जिसमें हम अपना एपीआई को फिल करते हैं और ऊपर से इसमें कैप लगा देते हैं. तो जो हमारा निचला पार्ट होता है इसको हम बॉडी कहते हैं, और अपर पार्ट को हम कैप कहते हैं. तो इस गाइस, ये हमारा कैप्सूल होगा. तो गाइस, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ कैप्सूल में. टाइप्स ऑफ कैप्सूल में सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में. तो गाइस, जैसे आपने देखा होगा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, आपको मैं यहाँ पर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल से भी रूबरू कराऊंगा. जैसे आप देख सकते हैं, जो मेरे पास कैप्सूल है, ये है हमारे पास विटामिन ई का कैप्सूल है, जिसको क्या कहते हैं, इसको हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स कहते हैं. इसको सॉफ्ट जिलेटिन क्यों कहते हैं गाइस, इसमें जो हमारा सॉफ्ट जिलेटिन होता है कि मतलब इसके हमारे अंदर जो कैप्सूल होता है वो क्या होता है, वो चारों तरफ से अराउंड होता है, मतलब क्लोज होता है. इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा कुछ लिक्विड मटेरियल्स होता है, इसलिए हम उसको लिक्विड सब्सटेंस होता है, इसलिए हम उसको सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स कहते हैं, और इसको हम इजीली प्रेस भी कर सकते हैं. तो गाइस, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कहते हैं. फिर बात करते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स की. जैसे मैंने आपसे अभी दिखाया था कि मतलब जो हमारे पास अमोक्सिसिलिन का कैप्सूल्स होता है वो क्या होता है, और इस प्रकार के जो कैप्सूल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स कहते हैं. तो गाइस, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो हमारी जिलेटिन होती है वो क्या होती है. जिलेटिन क्या होती है, मतलब जिसको हमने सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल भी क्या है कहा है, और उसको क्या कहा है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल भी कहा है. तो सबसे पहले यहाँ पे बात में इंपॉर्टेंस आती है कि जिलेटिन क्या होता है. बात करते हैं जिलेटिन की, कि जिलेटिन क्या होता है. सबसे पहले आइए जानते हैं जिलेटिन के बारे में, उसकी डेफिनेशन से जानते हैं. तो क्या है, जिलेटिन इज अ टेस्टलेस ऑडरलेस प्रोटीन सब्सटेंस विच इज एक्सट्रैक्टेड बाय बॉइलिंग स्किन टेंडन लिगामेंट बोन्स ऑफ ऑक्स एंड पिक. इसने क्या कहा है, जो हमारा जिलेटिन होता है वो क्या होता है, वो टेस्टलेस होता है, ऑडरलेस होता है, और क्या है, वो एक प्रोटीन सब्सटेंस है. उसने क्या कहा है कि मतलब जो हमारा जिलेटिन सब्सटेंस होता है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, क्या करके, बॉइलिंग करके निकालते हैं. क्या, स्किन को बॉइलिंग करके सकते हैं, वहाँ पर टेंडन को बॉइलिंग कर सकते हैं, लिगामेंट्स को बॉइलिंग कर सकते हैं, या किसी के बोन्स को, जैसे पिक की बोन्स को यूज़ करते हैं या ऑक्स की बोन को यूज़ करते हैं.
जैसे सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हम टेंडन्स क्या होते हैं और लिगामेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि आपको बता दूं मैं टेंडन्स क्या होते हैं जो हमारी बोन से मसल्स को कनेक्ट करते हैं उनको हम टेंडन कहते हैं, और जो लिगामेंट्स होते हैं वो बोन टू बोन कनेक्शन होता है तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम लिगामेंट्स कहते हैं। तो गाइस इसने कहा है कि मतलब उनको हम एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं, जो हमें एक्सट्रैक्शन मिलता है एक्सट्रैक्शन के बाद उसको हम एज अ जिलेटिन यूज करते हैं। तो इसमें हम क्या होते हैं, इसमें पिक की बोन यूज कर सकते हैं या ऑक्स की बोन यूज कर सकते हैं। तो गाइस फिर क्या कहते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जिलेटिन। यहाँ पे क्या कहा है उसने कि दो प्रकार के जिलेटिन होते हैं, टाइप्स ए और टाइप्स बी। इसने कहा है जो टाइप्स ए का जिलेटिन होता है उसको क्या करते हैं, उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे हमको मिलता है, वो क्या करते हैं उसमें हम एसिडिक कैटालाइज्ड करते हैं, एसिडिक कैटालाइज हाइड्रोजनेशन करते हैं, तब हमें क्या मिलता है, तब हमें टाइप ए जिलेटिन मिलता है। और जब हम बात करते हैं उसमें टाइप बी में क्या करते हैं, हम बेसिक कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तब हमें क्या मिलता है, तब हमें बेसिक क्या मिलता है, हमें टाइप बी जिलेटिन मिलता है। तो गाइस सबसे पहले अगर हम जिलेटिन को यूज़ करते हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि हम जिलेटिन को ही क्यों यूज़ करते हैं, हम क्या कैप्सूल्स बनाने में जिलेटिन को ही क्यों यूज़ करते हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर भी हम इसी लेक्चर में जानेंगे। तो गाइस ये क्वेश्चन अराइज होता है सबसे पहले, व्हाई वी यूज जिलेटिन इन अ कैप्सूल सेल। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर भी हम यहाँ पे यहीं मिलेगा आपको। जैसे बात करते हैं सबसे पहले, इट इज़ नॉन टॉक्सिक एंड इट इज़ अ वाइडली यूज फूड स्टफ एंड इट इज एक्सेप्टेबल फॉर यूज इन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। इसने क्या कहा, ये क्या होता है जो हमारा जिलेटिन होता है इसलिए इसको यूज़ करते हैं कि क्या ये नॉन टॉक्सिक होता है, और ये क्या होता है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड में हमारे क्या होता है एज अ फूड स्टफ में इसको यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्री में इसको यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम इसको जिलेटिन को यूज़ करते हैं एज अ कैप्सूल सेल के लिए। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है, एंड इट इज़ अ रीडिली सोल्यूबल इन बायोलॉजिकल फ्रूट एट बुल टेम्परेचर। इसने क्या कहा, ये क्या होता है जो हमारा जिलेटिन होता है वो रीडिली सोल्यूबल होता है हमारे बायोलॉजिकल फ्रूट में, जैसे हमारे जो बॉडी के अंदर फ्रूट्स होते हैं प्लाज्मा वगैरह ब्लड, उनमें क्या होता है इजीली क्या होता है सोल्यूबल होता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, इसलिए हम इसको बुल टेम्परेचर में आसानी से यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हम एज अ जिलेटिन यूज़ करते हैं कैप्सूल सेल। तो नेक्स्ट पॉइंट इज, एंड इट इज़ अ गुड फिल्म कोटेड मटीरियल। और क्या कहा, इसलिए एक सबसे अच्छा फिल्म कोटेड मटीरियल है जिसमें आसानी से कोटिंग कर सकते हैं। जैसे आपको पता है जो एंट्री कोटेड कैप्सूल्स होते हैं उनमें हम कोटिंग करते हैं, तो जो हमारे इंटेस्टाइन में जा करके एक्शन शो करते हैं, तो इसलिए क्या कहा उसने, वो एंट्री कोटिंग मटीरियल जिसमें हम क्या कर सकते हैं आसानी से कोटिंग कर सकते हैं। तो गाइस ये था हमारे आंसर जो हम यूज़ करते हैं, इसने पूछा था कि हमारे क्यों हम जिलेटिन यूज़ करते हैं इन कैप्सूल्स में, तो इसलिए इसके ये सुटेबल आंसर है। तो गाइस इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन कमेंट, एंड इफ़ यू वांट टू एनी इंप्रूव इन दिस लेक्चर तो यू कैन सजेस्ट एंड यू कैन कमेंट। तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। तो गाइस आई रिक्वेस्ट टू यू वंस अगेन, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माय चैनल। गाइस कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।